हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांगे ये है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो, जो केंद्र सरकार अभी तक नहीं दी है। केंद्र सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो समय समय पर हम लोग हड़ताल का आयोजन करते रहेंगे। केंद्र सरकार हमारी मांगे मान ले, हम उनका पूर्णतः सहयोग करते हैं, उनकी सारी योजनाओं को लागू कराते हैं और सारे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध और विनती करूँगा कि मेरी पेंशन व्यवस्था जो बुढ़ापे की लाठी है उसको लागू कर दे, उनसे मेरी यही मांगे। और कर्मचारी हमारे साथ हैं, कुछ मास्टर हैं, राजेश्वर चौधरी जी, आइए हम बात करते हैं राजेश्वर जी से कि क्या मांग है आप लोग का। आप हम सभी मांग तो मात्र एक ही है, हमारा जो ओल्ड पेंशन अविलंब लागू करें, नहीं तो हम लोग पूरे देश में वो जो पुनः ये 18 दिन अपने दो दिवसीय भी चल रहा, फिर हम लोग इसे आगे बढ़ के 3 दिन 4 दिन हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। अभी हम लोग 35 डाकघर सहित लगभग 200 शाखा डाकघर के कर्मचारी हम लोग स्टॉक में हैं। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ NBC 24 नवादा से। मैं सुनील कुमार।